अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? साथ क्या हाल है? बच्चा, आप लोगों को पता है हम लोगों ने काउंटिंग जो है वो रिपीट कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कहा था कि तो 120 तक ही इतना, आज हम लोग 121 से लेकर 130 तक करेंगे। सबसे पहले आप डेली कापी का पेज रेडी करना है। आप लोगों ने CW लिखना है। आज क्या डे है? फ्राइडे, ठीक है। आज क्या डेट है? 11/09। काउंटिंग 121 to 130 ऐसे आप लोगों ने लिखना है। अब 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, ठीक है। उसके बाद जो बुक का काम हम लोगों ने करना है, मैथ की बुक का पेज नंबर है ये 64, वही ऐड वाले क्वेश्चन है। अब ये देखो बच्चों, राइट वन मोर देन एंड गिव गिवन नंबर, वन मोर देन वन। अब वन है, वो कह रहे हैं कि वन है, वन के अंदर एक और वन ऐड किया तो क्या आंसर आया हमारे पास? टू, ठीक है। अब ये देखो, वन मोर देन टू। अब आप लोगों ने कैसे लिखना है? इस कैसे लिख रहे हैं, वन प्लस टू, यानी कि वन के अंदर टू और ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? टू के बाद कौन सा नंबर आता है? थ्री, ठीक है। यहाँ पे थ्री आप लोग लिख लोगे। अब वन मोर देन थ्री, यानी कि वन के अंदर थ्री ऐड किया तो क्या आएगा? अब सॉरी, थ्री यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों, आप लोग देखो, थ्री रुपये हैं, थ्री रुपये के अंदर एक और ऐड किया तो क्या बनेगा? फोर। अब वन मोर देन फोर, ठीक है, वन के अंदर फोर ऐड किया तो क्या बनेगा? अब फोर रुपये के अंदर एक और रुपया हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? फाइव रुपये हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अब वन मोर देन फाइव, वन प्लस फाइव। अब फाइव रुपये के अंदर एक और ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे? सिक्स, ठीक है। वन मोर देन सिक्स, अब वन है, वन प्लस सिक्स। अब छः रुपये के अंदर आप एक रुपया और डालोगे तो कितने बनेंगे? सात, ठीक है, सेवन बनेगा। वन मोर देन सेवन, वन प्लस सेवन, सेवन रुपये के अंदर आप लोग एक और ऐड कर लोगे तो कितने आप उनके पास हो जाएंगे? एट, ठीक है। अब वन मोर देन एट, वन प्लस एट। अब एट रुपये, एट में आप लोग एक रुपया और ऐड कर लो तो कितने बनेंगे? नाइन, ठीक है। ईजी से आप लोगों ने ये ऊपर से देख के करना है, और रोज़ का काम रोज़ करना है। ओके बच्चे, अल्लाह।